जहां एक तरफ देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदसौर के खिलचीपुरा में गौ माता की निर्मम हत्या करने पर कई हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 23 मई शनिवार को घर के एक बाड़े में गौ माता खड़ी हुई थी, जिसको एक वर्ग विशेष लोग चोरी करके ले गए और उनका वध कर दिया, क्योंकि गौ माता संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है और सनातन धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। इस प्रकार के कृत्य के कारण संपूर्ण हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। इसके चलते हिंदू संगठन गोपुत्र सेना ने भी नाहरगढ़ थाने में थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है और यह भी कहा है कि 10 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आएगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। घटना खिलचीपुरा गाँव है मंदसौर में, मंदसौर क्षेत्र के पास, वहाँ पर एक गाय बंदी हुई थी बाड़े में, वहाँ से ले गए आरोपियों द्वारा काट दी गई। उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, उसका कुछ हुआ नहीं है। तो हमने अभी विकास जी गहलोत को यहाँ पे नाहरगढ़ थाने में ज्ञापन दिया है। जिले के खिलचीपुरा में आज से 4 दिन पहले गाय बाड़े में बंधी हुई थी, जिसको चुरा कर उसको काटा गया और बाद में जब सूचना मिली तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई करी और अभी गोपुत्र सेना मंदसौर और सीतामऊ तहसील के सभी कार्यकर्ता मिलकर अभी थाने में हमने ज्ञापन दिया है विकास जी गहलोत को। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।